तकलीफ में हूं इसलिए आपसे मिलना चाहा। मेरी बेटी किरण शादीशुदा है, दो बच्चे हैं उसके, लेकिन वो पति का घर छोड़ के चली आई है। अब मैं अकेली लाचार बड़ी मुश्किल से अपना बोझ उठा पाती हूं। अब वो उसके दो बच्चे, कैसा चलेगा ये घर? मेरा तो वो कुछ सुनती नहीं है, बस अजीब सी गुमसुम पड़ी रहती है, ना कुछ करती है ना कुछ बोलती है। देखिए, मैं चाहती हूं आप किरण को समझाइए, आखिर पति है वो उसका, उसको उसके घर वापस जाना चाहिए। ये तो उसका निजी मामला है मिसेस भट्ट। नहीं, लेकिन तनु जी, अगर आप उसे समझाएंगे ना तो शायद वो आपकी बात मान जाए। मिसेस भट्ट, आपके खत से ऐसा लगा कि आपकी समस्या आर्थिक है, मेरा मतलब फाइनेंशियल, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। वो तो आपके सामने है, मैंने तो ये भी सुना है कि पत्नी अगर पति से ज्यादा दिन दूर रहे ना तो बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। कुछ कीजिए ना तनु जी, कुछ कीजिए। ठीक है, मैं किरण से मिलती हूँ। चलो चलो बाहर चलेंगे। हेलो किरण। थैंक यू। मम्मी ने मुझे बताया था कि उन्होंने आपको मेरे आपको तकलीफ देने की क्या जरूरत है। इसमें तकलीफ की क्या बात है, इसे तो मैंने अपना पार्ट टाइम जॉब बना लिया है। जी मैंने सुना है। देखो किरण, मैं तुम्हें कोई सलाह देने नहीं आई, मैंने तुम्हारे मम्मी से बात की और मैं उनकी बात समझ सकती हूँ, फिर भी मैं तुमसे तुम्हारी आप बीती सुनना चाहूंगी। मदद कर सकूं या नहीं पता नहीं, लेकिन सुनना जरूर चाहूंगी। बताऊंगी जी तमा जी, बल्कि मैं तो ये भी चाहूंगी कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है आप उसे छापे भी। तुम अपने पति का घर छोड़कर आई हो, राइट? नहीं, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ओह, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 9 साल। क्या करते हैं वो? अपना ही अच्छा खासा बिजनेस है। तुम क्या किया करती थी? कुछ नहीं, शादी के 1.5 साल बाद ही पिंकी पैदा हो गई और फिर 3 साल बाद राहुल। उस घर में मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, मैं पैसे की और हथियार की बहुत खुश थी मैं। शादी से पहले क्या किया करती थी? बस मैट्रिक पास किया, उसके बाद मम्मी पापा ने पढ़ने नहीं दिया। कोई काम नहीं किया? जी नहीं, पापा का अच्छा खासा बिजनेस था, घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी, काम का ख्याल ही नहीं आया। और फिर मम्मी पापा भी नहीं चाहते थे कि मैं कोई काम करूं। तुम्हारा और तुम्हारे पति के बीच आखिर हुआ क्या? ये मुझे आपको शुरू से बताना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो मुझे बेहद चाहते थे, पानी का एक ग्लास तक खुद भरने लगे थे, घर में नौकर चाकर थे, हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक साल भर पहले मैंने उनका रवैया बदलते हुए देखा
मैंने कई बार उनसे पूछना चाहा, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देते। और फिर एक दिन तभी वो घर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उनकी बात मुझे तमाचे की तरह लगी। कहाँ जाऊंगी मैं, क्या करूंगी? पापा भी तब तक चल बसे थे, घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पापा के बिजनेस पार्टनर ने सब कुछ लूट लिया था। अब आप ही बताइए, ऐसे हालात में मैं क्या करती? मैं वही गई, इससे उन्हें और बढ़ावा मिला। अब वो कई बार बहाना करके रात और बन ही आते हैं। और फिर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, किरण, अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। तुमने ठीक समझा था कि कोई और है। सोचो ताकि इन बच्चों की परवरिश अच्छी हो, सही हो। लेकिन कुछ नहीं, सोचो, गौर से सोचो। अबे तुम मेकअप करा लिए तो कैसे लगा किरण? देखा ना, हमारा काम भी किसी और काम की तरह ही है, और कोई भी काम किसी दूसरे काम से अच्छा या बुरा नहीं होता। आ विनोद, मेकअप करते। हाँ तो किरण, क्या सोचा तुमने? जी, मैं तो कुछ ऐसा ही कर सकती हूँ जिसके साथ साथ बच्चों को भी वक्त दे सकूँ। ऐसे तो बहुत काम है, मसलन टेलरिंग, ट्यूशन, ये जैसे। तनु जी, आपका ये शेप कुछ ठीक से मिक्स नहीं हुआ। अरे देखो तो विनोद। हाँ तो मैं कह रहा था किरण जी, अगर आप जरा भी आइडिया दें, कोई ऐसा काम जो कभी आप करना चाहती हूँ। माफ कीजिए तनु जी, आपका ये ऐश्वर्य भी कुछ। देखो तो मैंने, हाँ ठीक कह रही है तनु जी। जैसे किरण किसी कंपनी में सेल्स गर्ल का काम भी तो कर सकती हैं। हाँ क्यों नहीं। तनु जी, अगर आप अपने लिपस्टिक में थोड़ा सा रेड मिक्स कर लें तो मेरे ख्याल से आपके चेहरे पर अच्छा लगेगा। हाँ हाँ मैडम, ट्राई करते हैं। चलो, व्हाट अ गुड आइडिया, कमाल है। किरण जी, आप तो मेकअप में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं। जी, इतना तो थोड़ा बहुत सब लड़कियों को मालूम होता है। थोड़ा बहुत नहीं, देखा आपने, आपकी बात तो विनोद तक ने मान ली।
That's a good idea. Kiran. Really? यहाँ भी फोन आया था मुझे. Sorry, excuse me. Kiran, तुम ब्यूटिशियन क्यों नहीं बनती? नहीं नहीं, मैं मुझे पता नहीं. क्या पता नहीं? जाहिर है तुम्हें इस काम में दिलचस्पी है. सीख जाओ तो काम बहुत है, बल्कि सीखते हुए थोड़ी बहुत आमदनी भी हो सकती है. उसके बाद चाहे ब्यूटी पार्लर में काम कर लो, या तो फिर घर घर जाकर होम विजिट्स कर लो, जहाँ फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, कुछ भी हो सकता है. इनफैक्ट कई लड़कियों ने इसी तरह धीरे धीरे अपने खुद के ब्यूटी पार्लर भी बना लिए. लेकिन तनु जी, मुझे कौन सिखाएगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो. ओके, श्योर, व्हाई नॉट. वैसे भी हमें एक असिस्टेंट की जरूरत है. तो किरण, कल से तुम आना शुरू कर दो और साथ साथ में तुम ब्यूटिशियन का काम भी सीख लोगी. राइट, इज़न्ट दैट वंडरफुल. देखा किरण, सोचो तो कहीं ना कहीं सराह निकल ही आती है. जी. जब पार्लर में कोई क्लाइंट आता है हेयर स्टाइल करने के लिए, तो पहले हम उसका चेहरा देखते हैं और ओकेजन पूछते हैं कि कौन से ओकेजन के लिए ये हेयर स्टाइल किया जा रहा है. और वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में सदियों से हमारी दादी परदादियों ने ब्रेडिंग की है, और आजकल इसका काफी फैशन भी है. कैन आई हैव अ पिन प्लीज? अच्छा किरण, अब हम वैक्सिंग करेंगे. ये औरतों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है. पहले पाउडर लगाने के बाद फिर वैक्स इस तरह से लगाई जाती है. पुराने जमाने में भी औरतें बाल साफ किया करती थी, लेकिन अलग तरीके से. कोई राख से बाल निकालता था, कोई पत्थर से बाल निकालता था. यू होल्ड इट टाइट, पुल इट अप एंड प्रेस द स्किन डाउन. स्किन को अंदर तक साफ करने के लिए फेशियल किया जाता है. किरण, फेशियल ऐसे किया जाता है. नाउ कैन यू टेक ओवर? श्योर. ओके. चेहरे पर क्रीम का मसाज देने से स्किन स्मूथ और मुलायम हो जाती है. दूध और मलाई से भी ऐसा होता है ना? हाँ बिल्कुल. ज्योति जी, ये ऐसा नहीं है जैसे पुराने जमाने में हमारी माँ दादी मुल्तानी मिट्टी लगाया करती थी, या फिर हल्दी, बेसन, तेल का ऑप्शन? बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन दिस इज मोर प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट. Jyoti. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Can I help you? I want to get my hair set. बाल सेट करवाने हैं मुझे. Kiran, why don't you take her? मैं? Yes, why not? She's a very good hairdresser. Okay. Okay. आइए. Hello? Kiran? हाँ, Tanu. काम कैसे चल रहा है? Very good. अच्छा भाई, हमें एक अपॉइंटमेंट चाहिए. जी, मैं ज्योति दीदी को देती हूँ. तुमसे? मुझसे? कल सुबह 11 बजे. ओके, बाय. ठीक है, फिर मैं बाहर वेट करती हूँ. किरण, किरण, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी तस्वीर छपी है. वेरी वेल डन. थैंक यू वेरी मच ज्योति जी,
आपकी वजह से मुझे फ्रेंच एक्सपर्ट की ब्यूटी वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तनु दीदी, मैं सचमुच आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये सीन तो बहुत बार हो चुका। रियली किरण, मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम सेटल हो गई हो। वैसे कमाल है तनु दीदी, कुछ महीनों पहले मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रह गया, खत्म हो गया सब कुछ। और आज आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं हाथ ऊपर करके आसमान को छू सकती हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों बच्चे झगड़ा तो नहीं करते आपस में? कौन, पिंकी झगड़ा करती है? अच्छा सुनो बेटा, मुझे जरा नानी से कुछ बात करनी है। आप लोग बाहर चलो। माँ जी, जो होना था सब हो गया। मैं किरण को वापस ले जाने आया हूँ। देख लो बेटा, अब ये तुम दोनों पर है। वैसे किरण अब वो नहीं है, बदल गई। फर्क चला था, बच्चों का भविष्य सामने था। और फिर बेटा, तुमने तो खबर कभी ली ही नहीं। जी वो मैं शर्मिंदा हूँ, गलती थी मेरी। किरण कहाँ है? राहुल, पिंकी, हेलो किरण। चलो किरण, मैं तुम्हें लेने आया। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी राकेश कि तुम्हारे इस दूसरे रिश्ते का क्या हुआ। किरण खुल जाओ से, वापस जाओ। अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब कह दो उनसे कि अब तुम कल से काम पर नहीं जाओ। ये कैसी मनमानी है राकेश? डबल स्टैंडर्ड। एक ऐसा वक्त था राकेश जब तुमने मुझे छोड़ दिया था, एक ऐसी औरत के लिए जो काम करती थी, इंडिपेंडेंट थी। और आज आज जब मैं काम करने लगी हूँ तो तुम फिर से मुझे वही बनाना चाहते हो, घर में बैठकर उंगली वाली। आखिर क्या चाहिए होता तुम लोग को अपनी औरत से? नहीं राकेश, अब मैं काम करना नहीं चाह सकती, बल्कि बल्कि मैं तो पिंकी को भी ऐसा बनाना चाहती हूँ जैसे किसी के सामने आसानी हो। हाँ, जब तुम मुझे इस रूप में स्वीकार कर सको तो आकर ले जाना, वरना वरना मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। अगर आप सोचो, अगर आप समझो, अगर आप चाहे Yeah.